सो यो जो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जो गाइस यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत ही बड़ा ग्लिच जो गाइस ब्लू स्टैक 5 में, जो कि पीसी प्लेयर जब भी कोई बंदा अगर पीसी के अंदर स्टार्टिंग में जो गेम खेलना स्टार्ट करता है तो उसके यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि है गाइस यहाँ पर जॉयस्टिक ग्लिच। एंड इसके अंदर गाइस होता है कि जब भी हम लोग गेम के अंदर जो अपने कैरेक्टर को स्प्रिन करते हैं तो वहाँ पर जो गाइस हमारा जो जॉयस्टिक होता है इन गेम का, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यूज़ होने लगता है, जबकि गाइस हम उसको यहाँ बिल्कुल भी यूज़ करने का था, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हमारा कैरेक्टर जो गाइस कंट्रोल के बाहर हो जाता है एंड हमारा एम भी जो स्टक होने लगता है। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहाँ पर उसी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। उसका गाइस केवल एक ही सोल्यूशन है जो कि आप लोगों को बताऊंगा एंड उसका गाइस आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। एंड एक और चीज गाइस जो कि आप लोगों को यहाँ पर बताना था, यहाँ पर देखो लाइव स्ट्रीम मैं नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे बहुत सारे बंदे यहाँ पर बोले भाई लाइव नहीं कर रहा। तो देखो गाइस यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी गाइस यहाँ पर मैं लाइव करता हूँ तो अभी लाइव करने का मतलब भाई एक दो घंटे मजा नहीं था, ठीक है, यहाँ पर मेरे को 3 आवर्स लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है एंड उसके लिए गाइस अपने को चाहिए अच्छा खासा इंटरनेट, जो कि गाइस यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा एमबी कट जाता है, ठीक है। एंड मेरे एरिया में गाइस अभी मेरा एकदम एरिया जो है एकदम मतलब रूरल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर वाईफाई का गाइस सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है, तो जिसकी वजह से गाइस देखो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा। हाँ, जिस दिन मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा गाइस उससे एक दिन पहले आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा कहाँ इस दिन लाइव होगा, तो आप लोग गाइस समझ जाना, इसीलिए गाइस मैं लाइव नहीं कर रहा, मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, ठीक है, उसका आप लोगों को बताऊँगा। तो चलो बाकी गाइस अभी हम लोग अपनी जो जॉयस्टिक वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो गाइस जहाँ तक मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की ना, जब से मैं पीसी में यहाँ पर अपने फ्री फायर को खेल रहा हूँ, ये गाइस जो जॉयस्टिक ग्लिच होता है ना, ये सिर्फ दो कारण पे होता है। पहला गाइस आपका जो सेंसिटिविटी, आपका एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी, आपका माउस डीपीआई, आपका इन गेम सेंसिटिविटी एंड सेकेंड चीज गाइस आपका यहाँ पर की मैपिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें गाइस होता है, अभी आप लोगों को मैं दोनों का प्रूफ भी देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरा सेंसिटिविटी जनरल 27 है, रेड डॉट यहाँ पर 20 है एंड अभी आप लोगों गाइस यहाँ पर मेरा कंट्रोल में कस्टमर सिटी दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मेरा की मैपिंग दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये मेरा की मैपिंग है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ गाइस यहाँ पर हैंड कैम के साथ। तो अगर आप लोग उसको देखना है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर मेरा एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी आप लोग देख लो, एक्स गाइस 1.30 एंड वाई ये जो 2.50, ठीक है। एंड अभी हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, इस सेटिंग में अपने जो मेरा करंट सेटिंग है ये फ्री फायर है, मैं पहले बता देता हूँ, फ्री फायर मैक्स नहीं है, ठीक है, इसमें गाइस अभी हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं ना, आप लोग यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ, आप सभी लोग गाइस यहाँ पर देखो मेरा जो जॉयस्टिक ग्लिच है गाइस वो बिल्कुल 0% हो रहा है, ठीक है, मतलब ना के बराबर हो रहा है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो मेरे को अभी हेडशॉट मारना आता है नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, मेरा वन टैप एकदम टट्टी लगता है। तो देखो गाइस यहाँ पर मेरा आप लोग सिर्फ जॉयस्टिक देखो गाइस यहाँ पर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं हेडशॉट भी मार रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तुक्का उक्का लग जा रहा है, तुक्का उक्का मार रहा हूँ एंड गाइस देख सकते हो मेरे जॉयस्टिक ग्लिच बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एंड अभी गाइस अभी सेम सेंसिटिविटी सेम सेटिंग्स के साथ मैं चलता हूँ यहाँ पर फ्री फायर मैक्स के अंदर। ओके तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोग अभी फ्री फायर मैक्स के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ पर गाइस मैंने एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी को अपना 1.30 एंड 2.50 रख दिया है एंड अपना सेंसिटिविटी भी यहाँ पर ठीक कर लिया, ठीक है। अभी आप लोग गाइस चलते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, अभी आप लोग यहाँ पर देखना क्या होता है। तो यहाँ पर गाइस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना ये जो डी पैड उसको नहीं लगा रखा था, ठीक है, मतलब जो ग्लिच जॉयस्टिक के लिए होता है जो मैंने फ्री फायर में लगा रखा है बट यहाँ पर नहीं लगा रखा है, ठीक है, इसको लगा सेव कर देता हूँ एंड देख सकते हो गाइस भाई सेम कस्टमर स्टूडियो है गाइस, आप लोग मतलब देख चेक कर लेना भाई सेम टू सेम है। तो अभी हम लोग गाइस यहाँ पर चलते हैं, इसको बैक करते हैं एंड अभी आप लोग गाइस यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा जो कैरेक्टर है गाइस वही सेम सेटिंग सेम डीपीआई सेम सेटिंग, मेरा माउस का डीपीआई मैंने गाइस बताना स्टार्टिंग भूल गया, मेरा माउस का डीपीआई 2400 एंड बेस्ट माउस एंड कीबोर्ड के ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ गाइस, आप लोगों को यहाँ पर मैं डिटेल में बता दूंगा कि आप लोगों को अगर पीसी बिल्ड करवाना है तो आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, ठीक है, या फिर अगर आप लोग अपने पीसी के अंदर अपडेट करना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग टॉप पे आते हैं, तो देख सकते हो गाइस मेरा जो हेडशॉट है ना वो बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है, ठीक है, एम स्टक हो रहा है एंड गाइस मेरा जॉयस्टिक ग्लिच भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्री फायर मैक्स है गाइस फ्री फायर नहीं है। तो देखो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई गाइस, अभी आप लोग जानते हो ना फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स की सेंसिटिविटी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी फ्री फायर वर्सेस फ्री फायर मैक्स, आप लोग उसको चेक करने लगभग उसमें भी लगभग यही चीज़ मैंने दिखाई थी, ठीक है, कि इन दोनों के सेंसिटिविटी में गाइस बहुत ही डिफरेंस है। तो देख सकते हो गाइस फ्री फायर मैच की सेंसिटिविटी ज़्यादा है एंड जैसे मैंने ये चीज़ मतलब अपना एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी वाई रखा तो देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिकली जो मेरा जॉयस्टिक ग्लिच हो रहा है। तो देखो गाइस इस चीज़ से तो अपन की यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गई गाइस हमारा जो सेंसिटिविटी का यहाँ पर मतलब बहुत ही बड़ा लफड़ा है यहाँ पर जॉयस्टिक ग्लिच को होने के लिए। तो देखो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सोल्यूशन की,
कि देखो अब आपको गाइस क्या करना है कि आप लोग सबसे पहला काम ये करो कि आप लोग अगर आप लोग फ्री फायर मैक्स के लो पीसी के अंदर तो उसको अनइंस्टॉल मारो, फ्री फायर डाउनलोड करो। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता विदाउट प्ले स्टोर तो आप लोग गाइस ये वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएगा ठीक है। ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा ये वीडियो, तो आप लोग गाइस इसको देख लेना, आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, आप लोग फ्री फायर डाउनलोड करना। एंड जो भी गाइस मेरा जो एक्स एंड वाई का सेंसिटिविटी जैसे एक्स को रख लेना आप लोग 1.30 एंड वाई का 2.50 ठीक है रख लेना। एंड आप लोग गाइस एक और काम करना, आपका जो कस्टम एचयूडी है ना उसको यहाँ पर क्या करना गाइस बाय डिफॉल्ट रखना ठीक है। जब भी बाय डिफॉल्ट करना खेल क्या मतलब, जब हम लोग गेम डाउनलोड कर देना तो हम लोग गाइस यहाँ जो मतलब डिफॉल्ट कस्टम एचयूडी मिलता है ठीक है। जैसे एक साइड में अपने को यहाँ पर एक गुलवाल वाला बटन मिल गया, मेडकिट वाला मिल गया, मतलब बैकपैक वाला मिल गया ठीक है। तो आप लोग गाइस क्या करना है ना, इसको छेड़छाड़ मत करना। जैसे जहाँ पर जो स्टिक अपना जो उसको मतलब उधर ही रहने देना भाई, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ना इधर से उठा के उधर रख दे ठीक है। तो ये काम मत करना गाइस आप लोग, उधर को उधर ही रख देना मतलब उसको उधर ही रख देना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ठीक है। एंड आप लोग गाइस बस इतना कर लेना भाई, जो भी जैसे गुलवाल लगा लेंगे वगैरह का जो आइकन है उसको आप लोग छोटा करके बस ट्रांसपेरेंसी से हटा देना ठीक है। अगर आपको इसे इरिटेटिंग लगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इतना करना, इससे कैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व फिर भी नहीं होती, जैसे देखो 95% तक तो भाई यहाँ पर चांस आपकी सॉल्व हो जाएगी, बट अगर आपकी फिर भी सॉल्व नहीं होती तो आप लोग कैसे क्या करना, आपका जो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी जैसे मैंने 1.30 to 1.50 बताया ना, तो कैसे आप लोग थोड़ा सा बढ़ा घटा लेना ठीक है। जैसे 1.30 को थोड़ा सा कम के 1.20 करके इसको चेक कर लेना ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे चेक करना कैसे आप लोग सेंसिटिविटी वगैरह को अपने हिसाब से रख के थोड़ा बहुत कैसे यहाँ पर इसको मतलब देखो एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी ज़्यादा मैटर करता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको अप डाउन करके आप लोग चेक कर लेना ठीक है, जब तक आपको सॉल्व ना हो जाए प्रॉब्लम, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड कस्टमर शेड्यूल गाइस यहाँ पर वही मतलब जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना, बस बस भाई बस 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 हो गया, बहुत चिल्ला लिया। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं बोले तो नहीं करोगे क्या यार। अगर वीडियो पसंद आया यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्या यार मतलब भाग जाओगे इसे छोड़ के। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।